हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th चैप्टर टिड्डा संरचना जीवन चक्र एवं कृषि में महत्व ग्रासहॉपर स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर में टिड्डे के जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहॉपर की स्टडी करेंगे। टिड्डे में अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। कायांतरण किसी भी कीट के अपने वयस्क में बदलने का, एक से निकले हुए शिशु के अपने वयस्क में बदलने का जो पूरा प्रोसेस है वो मेटामॉर्फोसिस कायांतरण कहलाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पूर्ण कायांतरण में चार प्रावस्थाएं पाई जाती है, जबकि अपूर्ण कायांतरण इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में इन चार प्रावस्थाओं में से कैटरपिलर स्टेज लट अवस्था जो है वो एब्सेंट है। अर्थात ग्रासहॉपर टिड्डे के अपूर्ण कायांतरण में तीन स्टेजेस पाई जाती है, अडल्ट, निम्फ यानी शिशु प्रावस्था और एग। अडल्ट, एग एंड निम्फ, ये तीन प्रावस्थाएं टिड्डे ग्रासहॉपर के मेटामॉर्फोसिस में पाई जाती है। सबसे पहले अडल्ट, सितंबर के अंतिम और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक वयस्क नर और मादा ग्रासहॉपर टिड्डे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मैथुन की क्रिया करते हैं। कुछ घंटों तक, फ्यू ओवर्स तक मेल और फीमेल ग्रासहॉपर कोपुलेशन का प्रोसेस करते हैं। मैथुन कोपुलेशन के प्रोसेस के पश्चात मेल अर्थात नर वयस्क टिड्डा मर जाता है। मादा टिड्डा फीमेल ग्रासहॉपर कोपुलेशन के पश्चात सॉफ्ट सोइल के अंदर, मृदा के अंदर अपने उदर के अंतिम खंड या उदर के नुकीले खंड को सॉफ्ट सोइल मुलायम मृदा के अंदर धकेल देती है और अपने सर को ऊपर रखकर और सोइल के ऊपर चारों ओर राउंड गोल आकृति में घूमती है, जिससे एक गड्ढा बन जाता है सोइल के अंदर और मादा वयस्क ग्रासहॉपर अपने एग चैम्बर को, अंड कक्ष को, जिसमें लगभग 40 के आसपास अंडे भरे हैं, मिट्टी के अंदर छोड़ देती। इसके पश्चात फीमेल ग्रासहॉपर के गोनोपोर से, जनन छिद्र से एक झाग जैसा पदार्थ निकलता है जो उस छिद्र के चारों ओर मिट्टी में, उस छिद्र के चारों ओर सूखकर सीमेंट जैसा पदार्थ बनाता है और इस अवस्था के अंदर अंडे जो है वो लंबे समय तक शीत और ग्रीष्म ऋतु में सुरक्षित बचे रहते हैं। लगभग 9 माह पश्चात वर्षा ऋतु के अंदर अंडों से निम्फ यानी शिशु अवस्था निकलती है। जैसे ही वर्षा ऋतु में नम मृदा के संपर्क में अंडे आते हैं, उन अंडों से शिशु बाहर निकलता है। इस शिशु में पंख नहीं होते, पंख विहीन शिशु बाहर निकलता है। ये शिशु भोजन की तलाश में इधर उधर फुदकता रहता है और भोजन को खाने के पश्चात जब इसके शरीर का आयतन बढ़ता है तो इसके शरीर के ऊपर का काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पतली परत के रूप में उतरता रहता है। अर्थात जैसे जैसे ये आकार में बड़ा होगा, इसके आयतन को बढ़ाने के लिए, आकार को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर का एक्सोस्केलेटन पतली त्वचा के रूप में, पतली झिल्ली के रूप में उतरता रहता है, अर्थात निर्मोचन मोल्टिंग का प्रोसेस होता रहता है। इस प्रथम अवस्था के शिशु से वयस्क के बनने तक 5 से 6 बार निर्मोचन का प्रोसेस होता है। अंडों से 9 माह के अंदर शिशु की प्रथम अवस्था, निम्फ की फर्स्ट स्टेज,
प्रथम निर्मोचन के पश्चात शिशु निम्फ की सेकंड स्टेज द्वितीय अवस्था, सेकंड मोल्टिंग द्वितीय निर्मोचन के पश्चात निम्फ शिशु की थर्ड स्टेज, द्वितीय निर्मोचन के पश्चात शिशु में पंख विकसित होने लगते हैं, तृतीय अवस्था का निम्फ थर्ड मोल्टिंग थर्ड निर्मोचन से फोर्थ स्टेज के निम्फ में, फोर्थ स्टेज का निम्फ फिफ्थ स्टेज के निम्फ में, और फिफ्थ स्टेज का निम्फ फिर मोल्टिंग के प्रोसेस से अडल्ट में चेंज हो जाता है, फिर मेल और फीमेल अडल्ट कोपुलेशन के प्रोसेस से नए लाइफ साइकिल को स्टार्ट।